Hello everyone, this is Dr. Jay Mehta here from Mumbai, and in today's video we are going to try and understand the diagnosis of Asherman syndrome. Asherman syndrome ko hum kis prakar diagnose kar sakte hain ye hum aaj ke video mein samajhne ki koshish karenge. Dekhiye, Asherman syndrome ke bare mein humne ek brief introduction diya hai hamare previous videos mein. बेसिकली एशरमैन सिंड्रोम उस प्रकार की बीमारी है जहां पे यूट्राइन वॉल्स या यूट्राइन एंडोमेट्रियम कंप्लीटली एक दूसरे से चिपक जाता है. इसके काफी कारण है, प्रीडोमिनेंट बीइंग ट्यूबरक्यूलोसिस एंड रिपीटेड अबॉर्शंस लीडिंग टू डायलेटेशंस एंड क्यूरेटाज. रिपीटेडली जब यूट्रस को क्लीन करने की जरूरत पड़ती है या अ पास्ट हिस्ट्री प्रीवियस इंफेक्शन ऑफ टीबी इन द एंडोमेट्रियम, ये सिचुएशंस में एशरमैन सिंड्रोम डेवलप होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा होता है. एशरमैन सिंड्रोम का डायग्नोसिस अगर आप देखें तो हिस्ट्री से काफी कुछ पता चल सकता है. एशरमैन सिंड्रोम डेवलप होने के बाद पेशेंट का जो पीरियड है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो काफी तरह से अफेक्ट हो सकता है. बिकॉज जो एंडोमेट्रियम है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में द एंडोमेट्रियम कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड देन दिस एंडोमेट्रियम शेड्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो रहती है ना, ये ब्लड के माध्यम से बाहर शेड आउट होती है. ये नेचर का मैकेनिज्म है टू गिव मेंसेस. इसके काफी सारे हॉर्मोनल कोरिलेशंस रहते हैं. बट एशरमैन सिंड्रोम में क्योंकि ये वॉल एक दूसरे से चिपक जाती है, इसीलिए जो लाइनिंग है वो ठीक से डेवलप नहीं होती डिस्पाइट there being normal hormones. Hormones normal होने के बावजूद lining develop नहीं हो सकती क्योंकि वो एक दूसरे से चिपक चुकी है. इसके वजह से periods का जो flow रहता है वो काफी तरह से affect हो सकता है Asherman syndrome में, और ये एक बहुत important diagnosis है. Commonly जब patients clinic में आते हैं तो एक typical history बोलते हैं कि doctor पहले मेरा menstrual flow एकदम ठीक था, पर जब से मुझे ये हुआ है, जब से मेरा एबॉर्शन हुआ है, जब से मेरा डीएनसी हुआ है, मुझे पहले टीबी हुआ है, तब से मेरा जो यूट्रस का फ्लो है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, वो सिर्फ स्पॉटिंग होता है, वो एक दिन हो गया है, वो हो ही नहीं रहा है, जिसे हम बोलते हैं एमेनोरिया. ये सारी चीजों से हमें एक हिंट, एक क्लू मिलती है कि इस लेडी को शायद एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है. ये प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली डायग्नोस करना जरूरी है, और टिपिकली जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसे बोलते हैं 3D अल्ट्रासाउंड. 3D अल्ट्रासाउंड या 3D सोनोग्राफी वो टेक्निक है जहां पे इंटरनल सोनोग्राफी की जाती है, मतलब ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है. ये ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड पे यूट्रस की वॉल को स्टडी किया जाता है. उसका एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है, और वो प्रोटोकॉल करने से हमें यूट्राइन कैविटी का वॉल्यूम कितना है और उसके अंदर अधेशंस मतलब चिपका चिपकी कहां है, ये हमें समझ में आता है. ये होने के बाद में हम उसको सोनोग्राफी के बेसिस पे एक अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन दे सकते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पॉइंट अधेशन है या क्या ये कंप्लीटली अधेरेंट है. देखिए, जब मैं बोलता हूं कि यूट्राइन कैविटी एक दूसरे से चिपक चुकी है तो ऐसा हो सकता है, अगर आप ये वॉल स्टडी करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ यहीं पे जॉइंट है, एक पॉइंट है जहां पे वो चिपका हुआ है, या ऐसा हो सकता है कि वो कंप्लीटली जॉइंट है, या ऐसा हो सकता है कि एक साइड पे जॉइंट है और एक साइड पे खुला है. ये सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, और ये सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन अ वेरी गुड 3D अल्ट्रासाउंड. ये 3D अल्ट्रासाउंड करने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट लगती है ऐसे सिचुएशंस में, क्योंकि एक बार हमें ये वॉल थिकनेस और अधेशंस आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उसके बाद में हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करते हैं, और वो यूट्रस के अंदर आने वाला ब्लड फ्लो, कितने स्पीड में अंदर ब्लड आ रहा है, कितना ब्लड अंदर आ रहा है, और क्या स्ट्रेंथ है ये ब्लड की. ये सारी चीजें को स्टडी किया जाता है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट और उसका आउटकम इन सभी चीजों पर निर्भर करता है. नॉर्मली कोई भी लेडी जिसको एशरमैन सिंड्रोम होता है, टिपिकली उनको इनफर्टिलिटी भी होती है क्योंकि गर्भरोपण करने की जगह ही नहीं होती. तो अगर हम इन्हें ट्रीट करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है
कि हम ये चीज में देखें कि ट्रीटमेंट देने के बाद कितनी अच्छी तरह से आउटकम आएगा। और उस चीज के लिए ये ब्लड वेसल का स्टडी किया जाता है 3D अल्ट्रासाउंड में। इसको छोड़ के और टेक्निक्स जो है वो सारे इन्वेसिव और ऑपरेटिव टेक्निक्स है, जिसे बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। पर अभी के जमाने में हिस्ट्रोस्कोपी या यूट्रस के अंदर कैमरा डाल के एग्जामिन करना उसी टाइम पे किया जाता है, एक बार हमें 3D अल्ट्रासाउंड पे एशरमैन सिंड्रोम का कंफर्मेशन, उसकी सिवियरिटी और उसका ब्लड फ्लो ये सब समझ में आता है उसके बाद। एशरमैन सिंड्रोम के हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एशरमैन सिंड्रोम की ट्रीटमेंट और ऑपरेटिव प्रोसीजर्स डिस्कस करेंगे। तब तक इफ देयर आर क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट्स बॉक्स, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको इन चीज का आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।